क्या एमन खान शोबिज में वापसी कर रही हैं? क्या एमन खान का कोई नया ड्रामा आ रहा है? क्या है असल खबर, आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपसे आने वाली कोई भी नई अपडेट मिस ना हो। एमन खान रिसेंटली नजर आई फहद मुस्तफ़ा के शो जीतो पाकिस्तान में। जी हाँ, एमन खान ने जो है जीतो पाकिस्तान में शिरकत की। यूजुअली क्या होता है कि जीतो पाकिस्तान में जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं वो अपनी फिल्म्स और ड्रामों को प्रमोट करने आते हैं। कोई नया ड्रामा अगर ARY पे आ रहा होता है तो लोग उसे प्रमोट करने के लिए सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो जीतो पाकिस्तान में आते हैं, या फिर फहद मुस्तफ़ा का अगर कोई ड्रामा होता है तो उसे प्रमोट करने के लिए जो है वो जीतो पाकिस्तान में आते हैं और ड्रामे के बारे में बताते हैं। तो लोगों को ऐसा लगा कि शायद एमन खान का जो है वो कोई ड्रामा आ रहा है फहद मुस्तफ़ा के साथ, और फहद मुस्तफ़ा का या फिर कोई ड्रामा आ रहा है जिसमें लीड हीरोइन जो है वो एमन खान है। तो लोगों ने काफ़ी सवाल किए इस बारे में और लोगों ने ये लिखना भी शुरू कर दिया कि काफ़ी सारी ऐसी खबरें आईं कि एमन खान जो है वो शोबीज़ में एमन खान ने री एंट्री कर ली है और एमन खान का जो है वो नया ड्रामा आ रहा है और बहुत जल्द वो हमें स्क्रीन पर नज़र आएंगी। लेकिन फिर एमन खान ने इस पर चुप्पी अपने आप तोड़ी है और एमन खान ने इस पर जवाब दिया है लोगों को। और एमन खान ने बताया कि उनका कोई ड्रामा नहीं आ रहा, बल्कि उन्हें जो है दराज की तरफ से Realme जो फ़ोन है उन्होंने जीतो पाकिस्तान में शिरकत करने का कहा था, और एमन खान जो है वो Realme जो फ़ोन है उसे प्रमोट करने के लिए जीतो पाकिस्तान में आई थी, ना कि अपने किसी ड्रामे को। और उनका कोई ड्रामा नहीं आ रहा, वो अभी शोबिज़ में एंट्री नहीं कर रही हैं, और क्योंकि उन्होंने बताया कि अमल अभी बहुत छोटी है, जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब वो इसके बारे में सोचेंगी, अभी उनका ऐसा कोई ख्याल नहीं है कि वो शोबिज़ में दोबारा एंट्री करें, जबकि दराज की तरफ से उन्हें एक ऑफ़र हुई थी जिसकी वजह से वो जीतो पाकिस्तान में आई थी। क्या है कहना आपको इस वीडियो के बारे में, हमें अपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।